एक बार फिर से बॉलीवुड का देओल परिवार चर्चा में है। एक तरफ सनी बॉबी की जोड़ी नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा के शो को टीआरपी की दाद दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सनी देओल के पिता धर्मेंद्र और उनकी सौतेली मां हेमाली सोशल मीडिया पर एक तरह का वायरल बाजी का गेम खेल रहे हैं, खासतौर से तब जब उन दोनों की शादी की अफवाह फिर से उड़ रही है। कई लोग इसे धर्मेंद्र की तीसरी शादी का भी टाइटल दे रहे हैं। हालांकि माजरा बहुत ही दिलचस्प है। एक्चुअली धर्मेंद्र के हेमाली की एनिवर्सरी हुई, 44th ईयर पूरे कंप्लीट की दोनों ने, इसलिए दोनों ने घर पर मुलाकात की। धर्मेंद्र काफी टाइम से सोशल मीडिया पर अकेले पोस्ट करते थे और धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी बॉबी दूसरे तरीके से बात करते थे, बट हेमा इलेक्शन प्रचारों में इतनी बिजी थी कि धर्मेंद्र को टाइम नहीं दे पा रही थी। बट जब उनकी एनिवर्सरी आई तो धर्मेंद्र उनके घर पहुंचे और जिस तरीके की फोटो रिलीज हुई उससे लेकर पब्लिक में एक तरह का वायरलबाजी का नया गेम स्टार्ट हो गया। हुआ यह कि जो फोटो आई है धर्मेंद्र और हेमालिनी ऐसे लग रहा है जैसे फिर से मैरिज करके आए हों, और 44 ईयर की आफ्टर मैरिज के बाद दोनों की फिर से एक मैरिज होना पब्लिक को फैंस को काफी अनोखी बात लगी। एक्चुअली हेमालिनी ने जो कपड़े पहने हुए एक तरह का प्रॉपर ब्राइट ट्रेडिशनल साड़ी है, सिंदूर लगा हुआ, जबकि धर्मेंद्र ने एक तरह की पीच कलर की शर्ट पहनी है। ऐसा लगा दोनों मंदिर में जाकर कोई पूजा करके आए, हो सकता है दोबारा से माला पहनाकर एक दूसरे को एनिवर्सरी की विशेष दी हों। बहरहाल इस फोटो में उनके साथ हेमालिनी की बेटी ईशा देओल भी, जिनका हाल ही में डिवोर्स हुआ है। बहरहाल हमेशा की तरह यहाँ भी वही सवाल फिर से खड़ा होता है कि धर्मेंद्र का परिवार हमेशा किसी भी जश्न के मौके पर एक साथ नहीं होता। सनी बॉबी अपने पापा को लेकर बहुत इमोशनल ड्राई करते हैं, कपिल शर्मा के सामने रोते हैं और पापा की बहुत सारी बातों खुलासा करते हैं, बट पापा कहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्यों एंजॉय कर रहे हैं, वहां इन दोनों भाइयों की दखलंदाजी पार्टिसिपेट करना बहुत ही नॉमिनल होता है, खासतौर से तब जब गदर के बाद परिवार एक साथ आता दिखा। हेमालिनी पब्लिकली गदर को प्रमोट कर चुकी हैं, सनी बॉबी के बारे में इंटरव्यू दे चुकी हैं, इसके अलावा उनकी सौतेली बहन ईशा देओल भी सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों को प्रमोट करती है, एनिमल को लेकर कॉन्ग्रेचुलेशन भी कर चुकी है। तब भी जब उनकी सौतेली माँ का एनिवर्सरी इवेंट होता है तब हमेशा धर्मेंद्र हेमा उनकी बेटियां होती हैं, धर्मेंद्र के दोनों बेटे नदारद होते हैं हमेशा की तरह। अब पब्लिक यहाँ सोशल मीडिया पर सवाल खड़ी कर रही है, अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर उनको एनिवर्सरी विश करने के बजाय दोनों भाई कपिल शर्मा के शो में अपना प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसे में उनको अपने पिता के साथ होना चाहिए, और उम्र के जिस पड़ाव से गुजर रहे हैं धर्मेंद्र, वहाँ पर पूरे परिवार का एकजुट होना बहुत जरूरी है। हालांकि धर्मेंद्र इस उम्र में भी रोमांटिक पोज को रिपीट करते दिखाई देते हैं, जिस सदस्य वो हेमालिनी से बातें कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, लगता है उनकी जवानी, उनका पूरा जोश आज भी जिंदा है, और यही बात धर्मेंद्र को ही मैन बनाती है, उनको बॉलीवुड का हमेशा एवरग्रीन सुपरस्टार बनाती है। काश धर्मेंद्र के साथ सनी बॉबी भी होते तब देओल परिवार की खुशियों में चार चांद लग जाते हैं।